नमस्कार अगेन. पेज नंबर 10 खोलेंगे फटाफट. ओके, क्या बिना रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी कलेक्ट हो सकता है? क्या एक ही पैन का एक ही जीएसटी नंबर होगा? क्या ये स्टेट वाइज होगा? क्या सेंट्रलाइज जीएसटी नंबर है? इज देयर अ प्रोविजन टू टेक अ सेंट्रलाइज जीएसटी नंबर? डज इट हैव टू बी स्टेट वाइज? इन अ वन स्टेट कैन आई हैव मोर देन वन जीएसटी नंबर? विल दे बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्संस? जब हम टर्नओवर एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, क्या इसमें एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज, निल सप्लाईज, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सारा कुछ आ गया? देन वी सेड देर आर सर्टन स्टेट्स वेदर टर्न ओवर इज गोइंग टू बी 10 लाख. बट हमने दो बंदों की बात करी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन. इनको अप्लाई करना है 5 दिन पहले. क्या इनको पैन नंबर भी देना देना है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को देना है. व्हाट अबाउट नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन? नो. उसको पासपोर्ट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी प्लस किसी रेजिडेंट जो उसका ऑथराइज सिग्नेटरी है उसके पैन की कॉपी उसको मिल जाएगा. ये कितनी देर तक वैलिड है? 90 दिन. रिन्यूएबल टू अनदर 90. हाउ मच टाइम पीरियड शुड यू टेक टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर यू बिकम लायबल? 30 डे. इफ यू अप्लाई विद इन दैट टाइम पीरियड, जो रजिस्ट्रेशन आएगी विल बी विद इफेक्ट फ्रॉम द डे यू बिकेम लायबल. बीच में जो बिल है उनको आप रिवाइज करोगे, और रिवाइज बिल रेज करने की लिमिट क्या है? 1 month फ्रॉम द डेट यू हैव रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. चलिए, फिर हमने बात करी थी प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन. एवरीबडी विद मी. ओके, पर्सन लायबल टू रजिस्टर विल अप्लाई इन GSTR REG01. ही विल गिव द पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल. यहां पर ये CBDT की वेबसाइट से वैलिडेट होगा, ट्रांजैक्शन नंबर आएगा. फिर आप पार्ट बी भरोगे जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे. कितने दिन के अंदर आपको जीएसटी सर्टिफिकेट आ जाएगा? 3 दिन. अगर उसको लगता है उसको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितनी देर में मांगेगा? आवाज नहीं आई मुझे. 3 दिन. आपने कितनी देर में जवाब देना? 7 दिन. उसने कितनी देर में आगे एक्शन? 7 दिन. 3 3 7 7. दो बार बोलोगे 3 3 7 7. एंड देन ऑफकोर्स, बस ठीक है. एंड देन ऑफकोर्स इफ ही सैटिस्फाइड ही विल गिव यू रजिस्ट्रेशन. विल फिजिकल वेरिफिकेशन टेक प्लेस आफ्टरवर्ड्स? फिजिकल वेरिफिकेशन विल टेक प्लेस आफ्टरवर्ड्स. और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप विद इन 15 डेज उसको सबमिट करोगे. देन चिल्ड्रन, दिस वी डिड. क्या जीएसटी नंबर डिस्प्ले होना होता है? Yes, आपके हर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के एंट्रेंस पे और आपके साइन बोर्ड्स. क्या जीएसटी का नंबर पैन बेस्ड है? यस. द फर्स्ट 2 डिजिट्स आर स्टेट. देन टर्नओवर वाली बातें हमने कर ली है, एग्जेम्प्ट सप्लाई हो गया. क्या इंटर स्टेट सेल के 1 रुपए पे भी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी? नो. क्या ये बदल गया रूल? पहले ये सेक्शन 24 में था, अब नहीं है. विच मीन्स आपको भी इंटर स्टेट सेल पे भी 20 लाख की एग्जेम्पशन है. जो आपने एजेंट के थ्रू सेल करी है, क्या वो आपकी सेल में ऐड होगी? और जो आपने सेल करी है वो तो आपकी सेल में ऐड होगी. क्या एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है? ओके. देन ही सेज जो लोग पहले वाले एक्ट में रजिस्टर्ड थे उनके लिए नहीं है, उनको तो रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है. बाद में कैंसिल करवाना है तो करवा सकते हैं. मुझे बताइए, अगर बिजनेस ट्रांसफर हो गया, पैन नंबर बदल गया, तो क्या अमेंड होगा या कैंसिल होगा? देन वी केम टू कंपल्सरी. कंपल्सरी में याद कराया मुझे, एक तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, रिवर्स चार्ज वाला आ गया, एजेंट्स आ गए, OIDAR टू अ अनरजिस्टर्ड पर्सन. तो ये हमारे हो गए 6 जिनको हो गया कंपल्सरी. देन किनको लायबल नहीं है? ओनली एग्जेम्प्ट गुड्स, ओनली नॉन टैक्सेबल गुड्स, ओनली एग्रीकल्चर, ओनली रिवर्स चार्ज. इनको रजिस्ट्रेशन लेनी कंपल्सरी नहीं है. बिजनेस वर्टिकल्स की हमने बात करी थी. देन वी टॉक्ट अबाउट अदर कॉम्पोजिशन. आपकी एक ब्रांच कॉम्पोजिशन से बाहर हो गई, क्या बाकी अभी भी कॉम्पोजिशन में रह सकती हैं? वो भी बाहर होंगी. डिस्टिंक्ट पर्सन की हमने बात करी. SEZ में एक यूनिट है, बाकी यूनिट बाहर हैं, क्या आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेनी है?
even if he says same business, even if it is says it is within the same state, then हमने UIN number की बात करी, क्या ये embassies लेंगे? क्योंकि उनको क्या मिलना है? Refund. Okay, is sale to diplomatic missions exempt? It is chargeable to GST. और जो supplier है वो portal पे सारे invoice वगैरह raise करके invoice डालेगा and then of course the entire process of credit will take place. Then चलो, can I apply for, sorry, can the proper officer register me even if I am not taking registration? Yes, he has the power to sue a motor. अभी वो क्या करेगा? अगर कहीं investigation में पकड़े गए, एक तो tax जमा करवा देगा, दूसरा तुम्हें registration का provisional दे जाएगा, आपको 90 दिन के अंदर, अब 90 दिन ही है ना, देख लो, 90 दिन के अंदर आपको apply करना है, या आप अपील कर सकते हो. अगर आपने अपील करी और हार गए, फिर हारने के 30 दिन के अंदर आपको फिर से अप्लाई करना है. यस सुनो, देन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या मैं ले सकता हूँ? यस, एक बार मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले ली, क्या मुझे अब जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा? यस. नाउ हाउ डू यू अमेंड? वी सेड अगर तो नया रजिस्ट्रेशन है, पैन नंबर बदल गया, फिर ये अमेंड नहीं हो रहा, फिर तो ये कैंसिल हो रहा है. लेकिन अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन बदल गई, मोबाइल नंबर वगैरह, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कोर. ये तो आप वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई कोर एरिया है, एड्रेस बदल गया, पार्टनर्स बदल रहे हैं, डायरेक्टर्स बदल रहे हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस बदल रहा है, देन यू नीड टू मेक एन एप्लीकेशन विद इन 15 डेज. बोलते जाओ मेरे पास, 15 डेज ऑफ द इवेंट. अगला कितने दिन लेगा? 15 दिन. अगर तो सेटिस्फाइड है तो आपका चेंज कर दिया जाएगा, नहीं है तो 15 दिन के अंदर आपको एक शो कॉज नोटिस देगा. आप कितनी देर में देंगे जवाब? 7. और वो कितने दिन लेगा आगे? 7 डेज. और अगर उसने कुछ नहीं करा तो वो एज्यूम होगा कि वो हो गया. तो 15, 15, 7, 7, 3, 3, 7, 7, 90, 30. ओके, देन वी केम टू कैंसिलेशन. वी सेड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंसिलेशन. एक खुद कैंसिल करवाया, एक उसने कैंसिल करा. खुद कब करवाऊंगा? बिजनेस बंद हो गया, ट्रांसफर हो गया, अमालगमेटेड, या मेरी टर्नओवर 20 लाख से कम होगा. अगर मैं खुद कैंसिल करवा रहा हूं तो कहता है मैं एप्लीकेशन दूंगा विद इन 30 डेज, और जितना मेरा स्टॉक था उसकी डिटेल दूंगा. बिकॉज रिमेंबर, जब वो कैंसिल हो रहा है तो जो आईटीसी लिया हुआ है वो रिवर्स होगा. वो जब आपने एप्लीकेशन करी उसके 30 दिन के अंदर आपका कैंसिल कर देगा. कुछ सर हिला दिया करो. वो कब कैंसिल करेगा? यार वो कैंसिल करेगा जब आपने कोई बिजनेस उस प्लेस से कंडक्ट नहीं करा, या आपने इनवॉइस तो रेज करा पर सप्लाई नहीं हो रही है, उसको शक हो गया, या एंटी प्रॉफिटेयरिंग मेजर है. मैं ही बोली जा रहा हूं, एंटी प्रॉफिटेयरिंग. चलो तीन बोलो पहले तो, बिजनेस नहीं करा, इनवॉइस नहीं रेज करा, एंटी प्रॉफिटेयरिंग. रिटर्न नहीं भरी 6 महीने के लिए, रिटर्न नहीं भरी 6 महीने के लिए, और जो वॉलंटरी रजिस्टर हुआ था उसने बिजनेस ही कमेंस नहीं करा, या तूने फ्रॉड से लिया. तो इफ आई कैन सी देयर आर 3 एंड 3, देयर आर 6. चलो पहला, बिजनेस आपने अपने प्रेमिसेस से नहीं करा, इनवॉइस करा, सप्लाई नहीं करी, एंटी प्रॉफिटेयरिंग मेजर्स, 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरी, या वॉलंटरी ली थी और 6 महीने तक बिजनेस कमेंस नहीं करा, या फ्रॉड से लिया. इस केस में क्या कहता है? पहले तो शो कॉज नोटिस आएगा बेटा, और जब भी शो कॉज नोटिस आता है 7 डेज के अंदर आप उसको जवाब दोगे, और जब जवाब दे दिया उसके 30 दिन के अंदर या तो आपका कैंसिल करेगा या कैंसिलेशन को कैंसिल करेगा. Which means he might allow you. अच्छा, suppose cancel कर दिया, मुझे लगा इसने मेरे साथ नजायज कर दिया. Remember it's suo moto cancellation. उसने show cause notice दिया, मेरे को एक opportunity दी ये प्रूव करने के लिए कि वो cancel क्यों नहीं होना चाहिए, पर फिर भी कर दिया. Exactly, वो आगे की कहानी सुन रहा हूं. Revocation of cancellation मतलब assessee may challenge. अच्छा एक चीज बताओ, सुन रहे हो? मैंने ही कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करा था, उसने कैंसिल कर दिया, क्या इसके अगेंस्ट भी अपील करूंगा? तो ये कैंसिलेशन की अपील ऑब्वियसली तब हो रही है जब डिपार्टमेंट ने सुओ मोटो कैंसिल करा. असेसी में चैलेंज विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन. जब आपके पास आया उसके 30 दिन के अंदर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं. अब वो क्या करेगा? ही मे रिवोक द कैंसिलेशन विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन. यानी वो आपका वापस सर्टिफिकेट वैलिड कर देगा. एलसी में रिजेक्ट, यानी उसके पास भी दो ऑप्शन है, या वो आपकी रेवोकेशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा. अगर रिजेक्ट करेगा फिर तेरे को शो कॉज नोटिस देगा.
और जब शो कॉज नोटिस आएगा फिर तू 7 दिन में रिप्लाई देगा, हाँ या ना? कहता यस सर. नाउ व्हेन यू गिव अ रिप्लाई उसके 30 दिन के अंदर फिर से या तो वो रिजेक्ट करेगा या वो कैंसिल करेगा. सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. उसने आपका कैंसिल करने से पहले 7 दिन का वक्त आपको दिया, लेकिन उसके बाद 30 दिन के अंदर कैंसिल कर दिया. अब आप क्या करोगे? जब कैंसिलेशन ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर आप दोबारा से रेवोकेशन की अपील कर रहे हैं ऑन द जीएसटी पोर्टल. कहीं कोर्ट नहीं जा रहे हैं, जीएसटी पोर्टल जा रहे हैं. अब वो फिर क्या करेगा? या तो आपका कैंसिलेशन कैंसिल कर देगा, विच मीन्स रिवोक कर देगा कैंसिलेशन ऑर्डर, या फिर कैंसिल का ऑर्डर कंफर्म करेगा. बट कैंसिल का ऑर्डर रिजेक्ट करने के लिए, रेवोकेशन का ऑर्डर रिजेक्ट करने से पहले आपको शो कॉज नोटिस आएगा, फिर आपको 7 दिन के अंदर जवाब देना है, फिर उस जवाब के 30 दिन के अंदर या तो वो कैंसिल करेगा या रिवोक. कुछ आया तुम लोगों को समझ? माफ कर लो. क्या करूं? वहीं से होगा बच्चे. यू हैव टू गेट अप एंड टर्न द नॉब. शी इज नॉट गोइंग टू गेट अप. यू हैव टू स्टैंड ऑन द डेस्क टू डू इट. थैंक यू. मे आई? The question again is, may I? Yes, sir. Now, children, what we need to do is the questions before we move on. So, open your ICI questions, registrations under GST. ICI wala module kholo. Okay, read the questions with me on the board. Fatafat karenge isko. 20 lakhs. चलो अगला. अच्छा दो मिनट सबको पढ़ने दिया करो. आई नो सम ऑफ यू आर रियली ब्रिलियंट, यू लुक एट द फोटो, यू नो द आंसर. द अदर्स माइट हैव टू रीड इट. सो गिव मी जस्ट 1 मिनट बिफोर वी आंसर. हाँ अब बताएं. हाँ जी. नहीं, एग्जाम सप्लाई में एक्सपोर्ट नहीं आते, एक्सपोर्ट्स आर 0 रेटेड. ओके चलिए आगे. नहीं अभी ये जो थर्ड वाला है ना, इसमें उसने लिखा है पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई. पहले ये 24 में आता था, अभी यहां लिखना पड़ेगा विद टर्न ओवर मोर देन 20 लाख, ओनली देन विल द आंसर बी राइट. बिकॉज अब इंटर स्टेट सप्लाई पे भी 20 लाख की लिमिट हो गई है, 20 और 10 जो भी है. चलिए आगे. फोर्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट लायबल टू रजिस्टर. ए. Yes everyone. B. Because ये 5 दिन prior वाला आ गया. अच्छा जल्दी में मत करना प्लीज, आराम से चलो. We have to solve each question. He's asking you the effective date of registration. 1st September. Why? बिकॉज द एप्लीकेशन वॉज मेड विद इन 30 डेज. और यहां लिखाएंगे रिवाइज इनवॉइस वाली कहानी थोड़ी बहुत ही. बोलिए. 5th December. वाई? Application was not made within 30 days. Therefore, now the date of registration is the date of effective registration. Within 5 days prior. अभी दूसरा जो पार्ट है, person making interstate taxable supply. अभी तो फिर वही बात हो जाएगी ना, जिस दिन 20 लाख की turnover cross करी तो नीचे answer काट दीजिए, क्योंकि ये अब change हो गया है 6 अक्टूबर से.
ठीक है जी. नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उसको क्या सबमिट करना है? पासपोर्ट की एंड 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 ऑथराइज सिग्नेटरी, जो इंडिया का रेजिडेंट है उसका पैन. अंडरलाइन कर लेना. बताइए. एजेंट सप्लाइंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन एंड इट्स एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 लाख. क्या एजेंट को फिर भी रजिस्ट्रेशन है? एज पर सेक्शन 24 लिखा हुआ देखो. हाँ जी. अगेन एज पर सेक्शन 23, ये तो ओनली एग्रीकल्चर है इसलिए एग्जेम्प्ट है. हाँ जी. अच्छा ये वाला इधर देख के करेंगे, उधर नहीं देखेंगे. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी? आईटीसी मिल जाएगा, रिकॉग्नाइज हो जाएगा, लीगल फॉर्मल सेक्टर में आ जाएगा, बैंक लोन्स वगैरह आराम से मिल जाएंगे. ये तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, पर क्या होता है पेपर में जब सवाल आता है ना, आईसीआई जब सवाल बनाता है दे आर वेरी passionate about their answer. So generally what I do is I put in your heads the wordings of the module of ICI. इससे फायदा क्या होता है कि पेपर में जब आप आंसर प्रोड्यूस करेंगे आप वही लिखेंगे जो ICI के मॉड्यूल में लिखा है, उससे क्या होगा नंबर थोड़े एक्स्ट्रा आ जाएंगे. तो जरा देखें उसने इसका आंसर क्या दिया है. कहता है लीगली रिकग्नाइज एज सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, लीगली रिकग्नाइज. चलो इसको मार्क कर लेंगे. फिर कहता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पता नहीं तू खाते कैसे मेंटेन करता है, क्योंकि तू जीएसटी में आ गया अब प्रॉपर खाते रखेगा. तो कहता प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ टैक्सेस पेड ऑन इनपुट गुड्स और सर्विसेज. अच्छा मुझे नहीं पता ये इतना एडवांटेज कैसे है, पर देखो उसने लिखा हुआ है लीगली ऑथराइज टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम हिज परचेजेस एंड पास ऑन क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड ऑन गुड्स. सो आई थिंक एग्जैक्टली, बट एज आई सेड When the paper comes, I'm telling you, अगर ये दो नंबर का है इन चार पॉइंट्स के लिए आधा आधा नंबर होगा, बाकी पॉइंट्स तुम लिख दोगे सही होगा, नंबर मिल भी सकता है. The point is the head examiner will write this as the answer, give marks. The examiners across the country will look at the head examiner's answer and give you the marks. If the answer is not written in the head examiner's answer, it's a may. Since I've checked the papers, I can tell you that is how it is done. So I am trying to tell you कि ऐसे सवाल का बेटा ये वाला आंसर एक बार कर लेते हैं. तो ये बता क्या रहा है, कहता पास ऑन क्रेडिट, इतना याद रख लेंगे हम. अच्छा बिकम एलिजिबल टू अवेल अदर बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस, पता नहीं क्या है वो, पर चलो रेंडर्ड अंडर जीएसटी लॉस. तो दो तीन बातें समझ में आ गई, लीगली रिकग्नाइज हो गया, प्रॉपर अकाउंटिंग होगी, आईटीसी हो गया, और तीसरा बोलते हैं अदर बेनिफिट्स. चलो हो गया. बताइए. वाई नॉट? बिकॉज ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन एज पर सेक्शन 25, एज पर सेक्शन 25 इज द प्रोसीजर राइट. सो 22, 23, 24 एंड 25. चलो आगे. कम ऑन कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन. चलो स्टेट वाइज है तो एक रजिस्ट्रेशन नहीं रह सकता. He shall or he may? May. He may. Will they be treated as distinct persons? Yes, sir. Okay. There is a provision for voluntary registration. You can say a taxable person includes one registered or liable to be registered. Okay. Jaldi karo yaar. Yes, sir. Yes. Chalo aage. ओके इधर व्हाई नॉट. सो अगर कैंसिल ना हुई, अगर कैंसिल नहीं होने की जरूरत है तो क्या वो परमानेंट है? सो यही लिख देना ना. द आंसर इज इट इज परमानेंट अनलेस इट इज सरेंडर्ड, कैंसल्ड, सस्पेंडेड और रिवोक्ड. इट इज
चलिए, इज इट नेसेसरी फॉर यूएन बॉडीज टू गेट रजिस्ट्रेशन? डू दे चार्ज जीएसटी? बट विल दे पे जीएसटी ऑन परचेजेस एंड देन गेट अ रिफंड? पूरी कहानी समझा के आना वहां पर. तो देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन मेकिंग सप्लाईज टू यूएन बॉडीज? इनवॉइस लोड करेगा ताकि वो क्रेडिट मिल जाए, वही सारा आउटवर्ड जीएसटीआर 1 भरेगा. तुम लोग मेरी बातें सुन भी रहे हो? ओके. नाइन्टी डेज. एंड कितनी देर के लिए एक्सटेंड हो सकती है? 90 डेज. कैंसल्ड, और वो प्रोसीजर लिख सकते हो 30 दिन. देन यू हैव टू गिव द लिस्ट ऑफ, आवाज नहीं आ रही है, मैं गलत बोल रहा हूं, तुम लोग फिर नहीं, मतलब यू हैव टू कैच मी, यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई एम चेकिंग यू, आई एम द टीचर, यू आर नॉट चेकिंग मी. रीड अगेन. यू गिव मी द डेज. प्रोसीजर समझाएं मुझे. सेवन डेज में शो कॉज नोटिस आएगा, उसके 30 दिन के अंदर या वो कैंसिल करेगा या कैंसिलेशन को रिवोक करेगा. उसके 30 दिन के अंदर आप दोबारा रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उसके आपको शो कॉज नोटिस देगा 7 दिन के अंदर, उसके 30 दिन के अंदर. फिर से कुछ है भी याद तुम्हें लोगों? कितनों को याद है दिखाना जरा. अच्छा, दो बातें थी, एक था अमेंडमेंट और एक था कैंसिलेशन. अमेंडमेंट क्या था? 15 दिन, 7 दिन. एक था कैंसलेशन. कैंसलेशन दो प्रकार की है, एक खुद और एक उसने. ये कौन से वाला है? उसने. जब वो कैंसिल करेगा क्या देगा मुझे? शो कॉज नोट. रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ थॉट्स चिल्ड्रन. चलिए आगे. नहीं, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? अच्छा सॉरी, या देर इज नो सेंट्रलाइज्ड. या एग्रीड. ओल्ड कैंसिल होके न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा. ओके, नेक्स्ट वन, 23rd. प्रिंसिपल प्लेस एज वेल एज एडिशनल प्लेस. कौन सा चार्ट के बारे में पूछ रहा है? फर्स्ट. 3, 3, 7, 7. पूरी कहानी समझा के आना. सेवन डेज. अगेन पूरी कहानी समझा के आना. अभी मेरे पास नोटिस आएगा तो विद इन 7 डेज आई विल हैव टू रिप्लाई. ये वही 3, 3, 7 वाली बात हो रही. ओके. जो आईटीसी मिला था वो रिवर्स होगा, और वो हमने करा था कैपिटल गुड्स के केस में, जो बैलेंस लाइफ है प्रो राटा बेसिस पे उसको रिवर्स करेगा. ओए, यस और नो? ओके, सो दैट फिनिशेस ऑफ दिस चैप्टर.